पुलवामा हमले के शहीदों को याद कर नम हुई आंखें। बदनगर स्थित सपा कैंप कार्यालय पर रविवार को पुलवामा हमले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने कहा कि 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में जो हमला हुआ वह बहुत ही दुखदायी दृश्य था, जिसे देखकर रूह कांप जाती है। इस हमले में किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पति खोया और किसी ने अपना पिता। बताया कि पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे और 35 जवान घायल हो गए थे। आज पूरा देश उन शहीदों को याद करते हुए खराजे अकीदत पेश कर रहा है। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं व गणमान्य लोगों ने देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर हाजी मोहम्मद उस्मान एडवोकेट, प्रधान संगठन अध्यक्ष सौरभ यादव, गजेंद्र यादव, मुस्तकीम, संदीप कुमार, सर्वेश बाबू यादव, मोहसिन कमाल, रूप किशोर कश्यप, रियाज बाबू, नन्हे उस्ताद नन्हे यादव, राजपाल सिंह, शेर सिंह यादव, जमशेद, अरविंद सिंह, प्रशांत गुप्ता, नेमवती यादव आदि लोग मौजूद। आज ही के दिन, आज वो दिन है जिस दिन हमारे लगभग 40 जवानों ने शहादत दी और 35 के करीब जवान हमारे जो है घायल हुए थे। पुलवामा का हमला किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको मालूम है, पूरा देश जानता है कि उस हृदय विदारक घटना ने हमारे दिलों को झंकोर कर रख दिया था। आज हम उन अमर शहीदों को याद कर बिलारी विधानसभा के कैंप कार्यालय, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हम लोगों ने उन्हें खराज अकीदत पेश की है और अपने दिल से उनके लिए दुआ मांगी है कि ऊपर वाला उनकी रूह को सुकून अता फरमाए और जन्नत में आला मकाम, स्वर्ग में मकाम अता फरमाए। और हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हृदय विदारक घटना हमारे देश में ना हो। ये वो आतंकवादी हमला था जिसने पूरी तरीके से हम लोगों को डरने पर, हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो मैं खराज अकीदत पेश करते हुए ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, उन शोकाकुल परिवार के साथ में उनको ऊपर वाला सब्र जमील दे, उनको सब्र अता फरमाए, जिनके जो जियाले नौजवान सिपाही अब घर कभी नहीं लौटेंगे, उनकी आंखें उनकी राह में पथरा गई हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, ऊपर वाला उनके परिवार को सुकून, उनके परिवार को सब्र दे और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। जय हिंद।